क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या है, इज 512 है। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और क्या है, 512 है। इफ वन नंबर इज 16, अब उनमें से एक नंबर क्या है, 16, फाइंड द अदर, तो आपको दूसरा वाला नंबर बताना है। टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 512 है। हमें क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, 512 है, और दोनों नंबर्स में से हमें एक नंबर क्या दे रखा है, 16। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि कौन से नंबर को 16 से मल्टीप्लाई किया है कि 512 आया। लेकिन इसमें देखो एक रूल होता है मैथ में, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, x को इधर रखेंगे, 16 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैथ में रूल्स है, अगर हम लोग प्लस वाली चीज को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में। ऐसे माइनस को लेके जाते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे डिवाइड को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। ये आपको याद रखना, आपके लिए आगे बहुत यूज आएगा 10th 12th तक, कि प्लस को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस, प्लस माइनस क्या है, सेम है, तो प्लस माइनस में होता है और माइनस प्लस में होता है। ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ये हेल्प करेगा इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, x बताना है, तो x इज इक्वल हम क्या लिखेंगे, 512 है। अब ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल के इधर लेके आए तो किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो हम इक्वेशन में क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। अब ये तो आप बता सकते हो कि एक्सरसाइज डिवाइड की चल रही है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, लेकिन इस लाइन में तो डिवाइड आपको दिया हुआ नहीं है ना कि डिवाइड करना है, तो ये ऐसे आपको फाइंड करना है कि इसमें डिवाइड सॉल्व होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे 512 डिवाइड बाय 16। तो सबसे पहले 16 की टेबल लिखनी है, ये देखो सबसे पहले टेबल लिखनी है। अब देखो हमें क्या देखना है, 51 कि 16 के टेबल पे 51 आता है या नहीं आता है, और 51 नहीं आता तो हम लोग इसे कम वाला लेंगे, तो टेबल बोलेंगे 3 टाइम क्या आएगा, 48, 16 3 जा 48, तो इसका आंसर आएगा 3 टाइम टेबल बोलेंगे, टेबल बोलने पर आया 48। माइनस करना है 1 माइनस 8, सॉरी 8 पॉसिबल नहीं है, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 और 4 माइनस 4 0, 3 आएगा माइनस करने पे, फिर 2 को नीचे लेके आए 32। अब देखेंगे 16 के टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 32 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 16 2 जा 32, माइनस करेंगे 0, तो ये आया क्वेश्चन और ये आया रिमाइंडर 0। तो क्या आया हमारा आंसर, 32। तो हम लिखेंगे 32 इज इक्वल्स टू 512 डिवाइड बाय 16। तो हम क्या कर सकते हैं, 32 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 512 है। हमने x की वैल्यू बता दी 32, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको इक्वल के इधर लेके गए तो ये डिवाइड में चेंज हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, रजत पैक्स 24 बॉल्स इन वन बॉक्स। रजत ने 24 बॉल्स को पैक किया है वन बॉक्स में, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक 168 बॉल्स। अब हमें पूछा है कि 168 बॉल्स को पैक करना है तो हमें कितने बॉक्स चाहिए, कितने बॉक्स की जरूरत रहेगी इतनी बॉल्स को पैक करने के लिए। तो हमें क्या दे रखा है, वन बॉक्स में दे रखा है 20
24, क्योंकि ये 1 बॉक्स की वैल्यू है, इसलिए हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखो 24 के टेबल, देखो क्वेश्चन नंबर 5। आयशा स्टिक्स 12। देखो क्वेश्चन नंबर 5। आयशा स्टिक्स 12 पिक्चर्स ऑन ए पेज। इस पे दे रखा आयशा ने एक पेज के ऊपर 12 पिक्चर्स चिपका दिए, स्टिक मतलब लगा दिए उसने 12 पिक्चर्स, 12 फोटो चिपका दी उसने। इफ शी हैज 540 पिक्चर्स, अगर उसके पास 540 पिक्चर्स है, हाउ मैनी पेजेस विल शी नीड, तो उसको और कितने पेजों की ज़रूरत पड़ेगी। उसने एक पेज में तो 12 चिपकाई ना, तो अब कितने पेज चाहिए उसको 540 पिक्चर्स के लिए। तो इसमें भी आपको डिवाइड सॉल्व करना है, क्योंकि 1 की वैल्यू दे रखी है और 1 से ज़्यादा की पूछी है कि कितने आएंगे। आगे देखो, ए शॉपकीपर सेल्स 1 dozen eggs, एक शॉपकीपर उसने 1 dozen मतलब 12 eggs को सेल कर दिया, बेच दिया टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर को, उसने हर कस्टमर को 1 dozen मतलब 12 अंडे बेचे। हाउ मैनी कस्टमर्स विजिटेड हिज शॉप, उसकी शॉप पर कितने कस्टमर्स आए। इफ़ ही सोल्ड, अगर उसने बेचे हो 432 eggs इन ए डे, अगर उसने एक दिन में 432 eggs बेच दिए हो, तो उसने कितने कस्टमर्स को बेचे। तो इसमें आपको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 dozen का मतलब क्या होता है 12 है, तो 12 से डिवाइड करना। द टोटल वेट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ ए टीम, आपको बता रखा है कि कोई प्लेयर्स की टीम है, खिलाड़ियों की टीम है, उन सबका टोटल खिलाड़ियों का वेट कितना है 310 kg। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स, आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हैं कि कितने प्लेयर्स हैं। इफ ईच प्लेयर वेट 62 kg, अगर एक प्लेयर का वेट इतना है, अगर एक प्लेयर का वेट इतना है, तो 310 कितने प्लेयर्स का वेट हो सकता है, तो डिवाइड करना है 62 से। एन ऑडिटोरियम हैज़ टू बी फिल्ड विद 580 चेयर्स, ये ऑडिटोरियम मतलब कोई बड़ा हॉल बोल सकते हैं, जहाँ बैठक होती है ना, तो कोई बड़ा हॉल है जिसमें इतनी चेयर्स आ सकती है, ठीक है 580 चेयर्स। हाउ मैनी चेयर्स आर नीडेड, कितनी चेयर्स की ज़रूरत रहेगी। इफ़ ईच रो, अगर हर लाइन में, रो मतलब एक लाइन में 18। अब देखो आपको पूछा क्या है, हाउ मैनी चेयर्स आर नीडेड इन ईच रो, हर लाइन में कितनी चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ देर आर 18 रोज इन टोटल, अगर हमें टोटल कितनी रो बनानी है, 18 लाइनें बनानी है हमें टोटल, तो हाउ मैनी चेयर्स आर एक्स्ट्रा, कितनी चेयर एक्स्ट्रा है हमें वो बतानी है। हमें टोटल लाइंस कितनी बनानी है 18, तो हम लोग इसमें 18 से डिवाइड करेंगे, कि 18 से डिवाइड करने पर कितनी चेयर जो एक्स्ट्रा बचेगी। पूरा डिवाइड हो रहा है इसको मतलब तो चेयर बचेगी नहीं, और पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू कुछ आ रही है, तो इसका मतलब है कि उतनी चेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हमने इसकी फॉर्मेशन तो कर लिए, और बाकी जो मैंने आपको लैंग्वेज के थ्रू बताए हैं वो आपको खुद से करने हैं।